हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर वेद प्रकाश जुड़ चुके हैं। वेद, क्या बॉडी लैंग्वेज! मुख्यमंत्री की दहाड़, पूछताछ भले ही खत्म हुई हो लेकिन सीएम हेमंत सोरेन जैसे बाहर निकले और पूछताछ के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, आवास के अंदर गए, फिर बाहर आए और जब दोबारा बाहर आए तो उन्होंने पूरा जोश दिखाया, दमखम दिखाया और केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है और बॉडी लैंग्वेज उनका पॉजिटिव नजर आया। क्या यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत मानी जाए? आयुष, इसे जीत और हार कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये पूछताछ का पहला चरण है, ये नहीं बोलना चाहिए। और कई सवाल हैं, ये जो पूछताछ है इसने कई सवालों को जन्म दिया है। जिस तरह से जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर थे और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बयानबाजी हो रही थी और जिस तरह की बातचीत हो रही थी बार बार, तो ये एक प्रेशर कह सकते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स था, ये केंद्र पर, बीजेपी पर और साथ ही साथ ईडी पर एक दबाव था कि हम जनी शिकार के लिए निकलते हैं 12 सालों में एक बार, ऐसे इस तरह की बयान आई थी। और भी कई बातें आई थी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या जेएमएम के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कई तरह की बातचीत कही गई थी। तो ये कहना बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी है, जाहिर सी बात है कि अगर वो खुलकर नहीं बोलते और चुनौती नहीं देते तो हेमंत सोरेन को डरा हुआ माना जाता। हेमंत सोरेन डरते नहीं, ये तय बात है। ये तय इसलिए है कि पिछले दिनों जो परिस्थितियां बनी थी यहां पर और जिस तरह से ईडी के दबाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बदलने के जो आसार नजर आ रहे थे, नेतृत्व परिवर्तन की बात आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और हेमंत सोरेन डटे रहे। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं कि पूरी सरकार जो है वो साथ में है, ये गठबंधन बहुत मजबूत है झारखंड में। चूंकि जैसे ही 20 तारीख का वो दिन आया, आज का वो दिन आया, पूरा कैबिनेट हेमंत सोरेन के दरबार में बैठा हुआ था, उनके आवास में बैठा हुआ था, उसके अलावा तमाम विधायक मौजूद थे। ये हेमंत सोरेन की ताकत है, इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए किसी को भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बीजेपी हो, विपक्षी दल हो या ईडी हो। लेकिन सवाल ये है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र है जांच करने को, क्या उन्हें धमकी दी जानी चाहिए? ये गलत है, इसका मैं खुले तरीके से कहता हूं कि ये गलत है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ईडी हो या कोई भी हो, एजेंसी अपना जांच कर रही है। आपको बता दें कि सेना की जमीन का ये मसला था, 4.55 एकड़ जमीन है जिसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। पूर्व डीसी छवि रंजन जो है रांची के, वो अरेस्ट हो चुके हैं। कारोबारी विष्णु अग्रवाल जो एक बड़े मॉल के मालिक भी हैं वहां पे, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। भानु प्रताप जो है बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कई चीजें थी और कई दस्तावेजों के साथ ईडी की टीम वहां पहुंची थी और इन चीजों की, इसका सत्यापन किया जाना था और कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब तलाशने की कोशिश ईडी ने करी है। जो जानकारी मिल रही है, करीब करीब 50 सवालों की एक लंबी फेहरिस्त थी और साथ ही साथ कई दस्तावेज और फाइल लेकर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। सुरक्षा के जिस तरह इंतजाम किए गए थे वहां पर, बाद में धारा 144 लागू कर दिया गया उसके आसपास के एरिया में, कार्यकर्ताओं को वहां से जाने के लिए कहा गया, अतिरिक्त बल, वो भी केंद्रीय बल, सीआरपीएफ की टीम को वहां बुलाया गया। तो हालात बदल रहे थे, हालात दिख रहे थे और जिस तरह ईडी की टीम पर हमला हुआ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर टीम बहुत सतर्क थी। जिस तरह से सुबह से हमारे सारे सहयोगी दिखा रहे थे कि किस तरह वहां पर जेएमएम के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, हालांकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन था, लेकिन गुस्सा, आक्रोश वो नजर आ रहा था और वो कुछ भी हो सकता था, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती थी। कई बार बीच में बातें ये निकल के भी आ रही थी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, शायद यही वजह है कि वहां पर अतिरिक्त फोर्सेस बुलाए गए हैं। खैर, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, करीब 7 घंटे पूछताछ हुई। हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं के बीच आए, सभी को धन्यवाद कहा। ये हेमंत सोरेन की ताकत है, लोग उनके साथ खड़े रहे, सारे विधायक उनके साथ खड़े रहे, सारे मंत्री उनके साथ खड़े रहे, ये उनकी ताकत है। इस राज्य की जनता उनके साथ खड़ी रही, जगह जगह प्रदर्शन करी, चाहे वो धनबाद हो या अन्य कई जगहों पर, राज्य के विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन हुआ, लोग विरोध करते नजर आए। ये हेमंत सोरेन की ताकत है और इस ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये
कि क्या कार्रवाई खत्म हो गई, तो नहीं। जितने भी सवाल ईडी लेकर आए थे वहां पर, क्या उन सवालों के जवाब से ईडी संतुष्ट है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर दोबारा सवाल जवाब किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अगर ईडी को कहीं जरूरत महसूस होगी कि कुछ सवालों के जवाब जो है संतोषजनक नहीं है, तो फिर से पूछताछ की जा सकती है हेमंत सोरेन से, और उसके बाद फिर एक बार हो सकता है कि फिर से फिर यही स्थिति पैदा हो, हो सकता है कि हेमंत सोरेन फिर अपने आवास पर बुलाए, चूंकि ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे, ये दिख चुका है। पिछले 7 समन में नहीं गए, 8वें समन पे अपने आवास पर बुलाया और दिन भर झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या ईडी संतुष्ट है अपने जो हेमंत सोरेन ने सवालों के जवाब दिए हैं, हालांकि हेमंत सोरेन के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नजर नहीं आई। ये एक जेएमएम के लोगों के लिए और सरकार के लिए एक सुकून देने वाली बात बस यही रही। आयुष वे देखिए, दो बातें हैं। एक बात, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बॉडी लैंग्वेज देखें, पॉजिटिव नजर आई। दूसरी बात यह है कि जो खबर निकलकर सामने आई कि गवाह के तर्ज पर पूछताछ चल रही थी, आरोपी के तर्ज पर नहीं, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि अब आगे क्या, जैसा कि आपने बताया कि अब अगर संतुष्ट नहीं होते हैं ईडी के अधिकारी इस बार के पूछताछ से, तो दूसरी बार भी पूछताछ कर सकते हैं, वो अलग बात है। इन सब से इतर आप बताएं कि इस पूरे प्रकरण में ईडी की अगली कार्रवाई क्या हो सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो जवाब दिए गए हैं हेमंत सोरेन के, उनको रिकॉर्ड करके ले गई है ईडी। ईडी के अधिकारी उसका अध्ययन करेंगे, तमाम दस्तावेज, कई लोग उनकी गिरफ्त में हैं, उन लोगों से पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी बात कि एक आरोपी के तौर पर नहीं, हेमंत सोरेन बार बार ये कह रहे थे कि आप किसी आरोपी के तौर पर मुझे बुला रहे हैं या फिर आप सहयोग करने के लिए बुला रहे हैं, आप किस रूप में मुझे बुलाना चाह रहे हैं और मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं, यह स्पष्ट करें। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा था ईडी की तरफ से, हो सकता है इसकी वजह से ही हेमंत सोरेन जाने से हिचक रहे हों, क्योंकि बीते कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, सांसद को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ करने गई ईडी गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजा जा रहा है, अभी बीते दिनों लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, सजायाफ्ता हैं हालांकि जमानत पर बाहर हैं, उनको समन भेजा गया, राबड़ी देवी को समन भेजा गया, उनकी बेटी जो राज्यसभा सांसद मीसा भारती उनको समन भेजा गया, तेजस्वी प्रसाद यादव जो डिप्टी सीएम है उनको समन भेजा गया ईडी की तरफ से। तो इस तरह की जो हरकतें अभी दिख रही हैं और जो कार्रवाई दिख रही है ईडी की इतनी तरीके से, तो हेमंत सोरेन शायद ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है और किस रूप में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। पूछताछ करना और उनके सवालों का जवाब लेना, और या फिर कह सकते हैं कि जो दस्तावेज, संदिग्ध दस्तावेज जो बरामद हुए हैं जो भानु प्रताप के यहां से, उन दस्तावेज का सत्यापन करना, ये कह सकते हैं कॉपरेट करना, ये किसी से भी पूछताछ ईडी करने के लिए स्वतंत्र है। और ये तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये भूमिका कैसी होगी ईडी की, इसका जवाब चाहते थे हेमंत सोरेन, जो जवाब नहीं मिला। लेकिन आखिरकार वक्त मिला, आमना सामना हुआ, करीब 7 घंटे तक आमना सामना हुआ और हेमंत सोरेन के चेहरे की कोई भी शिकन नहीं होना, ये बात को बयां कर रही थी कि वे समझ रहे थे कि उन्होंने लगभग सभी सवालों का जवाब दिया है, अधिकारियों से अच्छे माहौल में बातचीत हुई होगी और वो संतुष्ट कर चुके होंगे, तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है। शायद यही वजह है कि वो खुलकर सामने आए अपने कार्यकर्ताओं के बीच और पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ उन्होंने ये कहा कि वो उनके साथ हैं। जिस तरह से कार्यकर्ता सुबह से डटे हुए थे कि मैं हेमंत हूं, हर कार्यकर्ता, मैंने बताया था सुबह में भी कि जिस तरह का जोश कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, ये हेमंत सोरेन का मुखौटा लगा के सड़क के किनारे खड़े होना ये बहुत कम देखने को मिलता है। अमूमन इस तरह की चुनावी रैलियों में देखने को मिलता है कि लोग मुखौटा लगा के खुद को मैं मोदी हूं, मैं हेमंत हूं या फिर मैं कुछ और हूं, इस तरह की चीजें कहते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर दिखी ये बिल्कुल बदली बदली सी थी, और सुबह से हमारे सहयोगियों ने, अभिषेक भारती ने, धनंजय ने, चितरंजन ने तस्वीर दिखाई। अभिषेक ने खासतौर पर जो जायजा लिया कि किस तरह ये जेएमएम का बदला स्वरूप नजर आया है, ये जेएमएम का बिल्कुल अलग स्वरूप, चूंकि जेएमएम का आंदोलन मतलब मन में एक डर, मन में एक दहशत, एक ऐसा डर होता था, एक भय होता था कि लोग सोचते थे कि पता नहीं आज अगर जेएमएम ने बंद बुलाया फिर आंदोलन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तोड़फोड़ होगी, हिंसक ये होगा। लेकिन वैसी कोई घटना सामने नहीं आई, आक्रोश था
गुस्सा था, मगर वो गुस्सा जुबान पर था, वो गुस्सा उनके दिल में था, जो जो भाषा के जरिए, जो शब्दों के जरिए बाहर आ रहा था। लेकिन कहीं भी कोई एक जगह भी आप नहीं बता सकते कि हिंसा घटना सामने आई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बदला हुआ जेएमएम नजर आया, ये हेमंत सोरेन का जेएमएम नजर आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और कह सकते हैं कि अभी हालांकि ये कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, ईडी आकलन करेगी, तमाम जितने भी जवाब दिए गए हैं उन जवाब का अध्ययन करेगी, मैच करेगी, और जरूरत पड़ी तो फिर से हेमंत सोरेन से पूछताछ हो सकती है। जावेद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत को इतने